गाइस, हमारा आज का टॉपिक है श्रीनिवासन रामानुज, जो एक बहुत बड़े गणित विचारकों में से गिने जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, श्रीनिवासन का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को ईरोडा तमिलनाडु में, और इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1920 में चेप्टा चेन्नई तमिलनाडु। तो शुरुआत करते हैं, ये इनकी फोटो है। श्रीनिवासन रामानुज यंगर तमिल में यह है, पंडित मुझे भी नहीं आती, का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था और मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुई थी। एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्होंने गणित में कोई विशेष परीक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या पद्धति के सिद्धांतों में गहन योगदान दिया। अपने प्रतिभा और लगन से केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। ऐसा नहीं है कि इनको गणित में कोई विशेष परीक्षण मिला हो, या कोई बहुत बड़े परिवार से हो, या किसी गणितज्ञ के बेटे हो, नहीं, एक नॉर्मल से थे। फिर भी इन्होंने गणित के ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो इनको आज वर्ल्ड के टॉप ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन में गिना जाता है। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद ही गणित सीखा और जीवन भर गणित के 3,888 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। उन्हें गणितज्ञ के सहज ज्ञान और बीज गणित प्रकरण के अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। यद्यपि इनकी कुछ खोजों को गणित के मुख्य धारा में अब तक नहीं अपनाया गया है, हाल ही में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्र में हो रहे काम के लिए रामानुजन जनरल की स्थापना की गई है। तो इनके जो मैथ का जो काम था, इससे खुश होकर इनके लिए रामानुजन जनरल की स्थापना की गई है। आरंभिक जीवन काल पढ़ते हैं। तो रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिण भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के ईरोडा नामक गांव में हुआ था। वे पारंपरिक ब्राह्मण परिवार से जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमल तलमल और पिता का नाम श्रीनिवासा अयंगर था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। ये 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। तो इनका ऐसे नहीं है कि बचपन से जीने से नहीं, ये नॉर्मल थे और 3 साल तक तो ये बोल ही नहीं पाते थे। जब 3 साल के हुए थे, उसके बाद इन्होंने बोलना शुरू किया। जब इतनी बड़ी आयु तक रामानुजन ने बोलना आरम्भ नहीं किया, तो सबको इनकी चिंता हुई और वे कहीं ये गूंगे तो नहीं है। बाद में वर्षों में जब इन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया, तो पारंपरिक शिक्षा में भी इनका कभी मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिलों में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल पहुंचे। रामानुजन ने को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। उनके प्रश्न अध्यापकों को कभी कभी बहुत अटपटे लगते थे, जैसे कि संसार का पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी होती है। रामानुजन का व्यवहार बड़ा ही मधुर था। इनका सामान्य से कुछ अधिक स्थूल शरीर और जिज्ञासा चमकती हुई आंखें इन्हें इकली पहचान देती थी। इनके सहपाठियों के अनुसार इनका व्यवहार इतना सौम्य था कि कोई इनसे नाराज नहीं हो सकता था। विद्यालय में इनकी प्रतिभा ने दूसरे विद्यार्थियों और शिक्षकों पर छाप छोड़ना आरंभ कर दिया था। इन्होंने स्कूल के समय में अपने कॉलेज के स्तर के गणित को पढ़ लिया था। एक बार इनके विद्यालय के प्राध्यापक ने कहा था कि विद्यालय में आने वाली परीक्षा के मापदंड रामानुजन के लिए लागू नहीं होते। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के लिए सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और आगे कॉलेज की शिक्षा के लिए भी प्रवेश मिला। आगे एक परेशानी आई। रामानुजन का गणित के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया था कि वे दूसरे विषयों में ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि वे इतिहास, जीव विज्ञान की कक्षाओं में भी गणित के प्रश्नों को हल किया करते थे। नतीजा ये हुआ कि 11वीं की परीक्षा में वे गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए। तो इतने बड़े गणितज्ञ थे कि इन्होंने
गणित में तो टॉप में टॉप नंबर लाते तो बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए और परिणाम स्वरूप इनको छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गई। एक बार तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और ऊपर से छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही थी। रामानुजन के लिए बड़ी ही कठिन समय था और घर की स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने गणित के कुछ ट्यूशन तथा बही खातों का काम भी किया। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने फिर 12वीं की कक्षा में प्राइवेट परीक्षा दी और अनुत्तीर्ण हो गए, फिर फेल हो गए। और इसी के साथ इन्होंने पारंपरिक शिक्षा से मन मोड़ लिया और इन्होंने बंद कर दिया। पता 1907 में वापस ट्राई मारा कि भाई 12वीं पकड़ते हैं, तो 12वीं की और फेल हो गए। तो इनका आवास था भारत और संयुक्त राजशाही में रहे थे, राष्ट्रीय इनकी भारतीय थी, क्षेत्र गणित में थे और शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पास की थी। कहाँ तो इन्होंने 12वीं में फेले और कहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुँच गए, इतनी बड़ी है। डॉक्टरी सलाहकार थे गॉरफ्रेड हेलरोड आर डी और जॉन्स इंडेसल लिटिल वुड। प्रसिद्धि इनकी क्या कहती थी कि लैंड्रो रामानुजन स्थिरांक, रामानुजन शोल्डर स्थिरांक, रामानुजन थीटा फलन, रोजस रामानुजन, रामानुजन अभाज्य कृत्रिम थीटा थीटा फलन और रामानुजन योग। औपचारिक शिक्षा की समाप्ति और संघर्ष का समय। विद्यालय छोड़ने के बाद और 5 वर्षों तक इनके लिए बहुत हताशा रहा, मतलब 1907 से लेके 1912 तक इनका टाइम समय बहुत ख़राब था। भारत में इस समय अंग्रेजों गुलाम था, चारों तरफ महंगाई गरीबी थी। इस समय में ऐसे समय रामानुजन के पास नौकरी नहीं थी और ना ही किसी संस्था अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका था। बस उन्होंने ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति अपनी अगध श्रद्धा से ने उन्होंने कर्तव्य मार्ग पर चलने के सदैव प्रेरित किया। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी, तो इनकी इष्ट देवी का नाम है नामगिरी देवी, इनके पारिवारिक कुल देवी बोलते थे इसे। उनके प्रति अटूट विश्वास से उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया और वे इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को चलाते रहे। इस समय रामानुजन को ट्यूशन से कुल 5 रुपये मासिक मिलते थे, तो 1912-13 में इनको 5 रुपये महीना मिलता था और आज हम 5 रुपये चॉकलेट खा जाते हैं और इसी में से इनका गुजारा होता था। रामानुजन का यह जीवनकाल बहुत ही कष्ट और दुख से भरा था। इन्हें हमेशा अपने भरण पोषण के लिए और अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और अनेक लोगों से असफल याचना भी करनी पड़ी। तो देखिए इतना बुरा वक्त चल रहा था इनका। अब बात करते हैं इनकी शादी की और इनके जो गणित साधना थी क्या थी। 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। विवाह होने के बाद अब उनके लिए सब कुछ भुलाकर गणित में डूबना संभव नहीं था, अतः नौकरी की तलाश में मद्रास आ गए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण ना होने की वजह से इनको नौकरी भी नहीं मिली और इनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह गिर गया। अब डॉक्टरों की सलाह पर इन्हें वापस अपने गांव कोड़म लौटना पड़ा। बीमारी से ठीक होने के बाद वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये जब भी किसी से मिलते हैं तो अपना एक रजिस्टर दिखाते हैं, इस रजिस्टर में उनके द्वारा गणित में किए गए सारे कार्य होते। इसी समय किसी कहने पर रामानुजन वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामस्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। यहाँ पर अय्यर ने रामानुजन को प्रतिभा को पहचाना और जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध कर दिया। इस प्रतिभा रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपने प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया। शोध पत्र का शीर्षक था बर्नौली संख्या के कुछ गुण और यह शोध पत्र जनरल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित भी हुआ था। यहाँ 1 साल पूरा होने पर उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की। सौभाग्य से इसी नौकरी से इनका काम में का कुछ बोझ ज़्यादा नहीं था, इस नौकरी को ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी और इन्होंने अपने गणित के लिए पर्याप्त समय भी मिलता था। यहाँ पर रामानुजन रात भर जागकर नए नए गणित के सूत्र लिखते और फिर थोड़ी देर काम कर आराम कर फिर दफ्तर के लिए निकल जाते। रामानुजन ने गणित के शोधों को स्लेट पर लिखते थे और बाद में उनको एक रजिस्टर में लिखते थे। रात को रामानुजन के स्लेटों की खटखट की आवाज़ के कारण परिवार के अन्य सदस्यों की नींद चौपट हो जाती थी। तो देखिए कि पहले तो स्लेट पर लिखते थे, उसके बाद रजिस्टर पर लिखते थे, इसलिए इनके काफ़ी सारे शोध पत्र हैं जो अभी तक समझे ना गए हैं, क्योंकि पहले आप स्लेट पर लिखोगे उसको मिटाओगे। एक तो हो सकता है आप रिटर्न में लिख के रखो तो उसको आप बाद में कहते हैं कि पब्लिश कर सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि 3000 से 4000 का इनको पब्लिश थे इनके बाद लिखे वो, और सालों तक इन्होंने स्लेटों पर लिखा था, लाखों पेपर इनके अभी तक पब्लिश नहीं हुए, इतने बड़े ज्ञानी थे। प्रोफेसर हार्डी के साथ व्यवहार, तो पढ़ते हैं इसको भी। इस समय भारतीय और पश्चिमी रहना सहन एक बहुत बड़ी दूरी थी।
रहन सहन में एक बहुत बड़ी दूरी थी और इस वजह से सामान्य भारतीयों को अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करने में काफी संकोच होता था। इधर स्थिति कुछ ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेज गणित के सहायता के लिए शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस समय रामानुजन के पुराने शुभचिंतक इनके काम उन्होंने लोगों इन लोगों ने रामानुजन द्वारा किए गए कार्यों को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा। यहाँ पर कुछ विशेष सहायता नहीं मिली, लेकिन एक लाभ ये हुआ कि लोग रामानुजन को थोड़ा बहुत जानने लगे थे। इस समय रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांतों को के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाया तो उनका ध्यान लंदन के ही प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे और अपने सख्त स्वभाव और अनुशासन प्रियता के कारण जाने जाते थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्यों को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के जो प्रश्नों का आंसर नहीं दिए थे उनको खोज निकाला। अब रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी के साथ पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात मतलब उदय हुआ, जिसमें प्रोफेसर हार्डी का बहुत बड़ी भूमिका थी। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह एक जोहरी हीरे की पहचान रखता उसे और उसे तराश कर चमका देता है, रामानुजन के जीवन में वैसा ही कुछ स्थान प्रोफेसर हार्डी का है। प्रोफेसर हार्डी अजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की यह मित्रता दोनों के लिए ही लाभप्रद सिद्ध हुई। एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमानों पर आंकता था। तो प्रोफेसर हार्डी है जो उस समय लोगों को मतलब को अगर कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो उनको 100 में से 30 नंबर देते, 100 में से 90 नंबर देते। अगर आज के टाइम होते तो बोलते कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को मैं 100 में से 80 नंबर देता हूँ, मोदी जी को 90 नंबर देता हूँ। इस तरह उन्हें आपते थे, मतलब कहते नहीं थे कि भाई 100 में 100 खरा है क्या है, ऐसे मानते भाई ये आदमी इतने नंबर का है। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 35 अंक भी दिए थे, कुछ को 60 दिए थे। मतलब जो उस समय के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे उनको कहते यार इसको तो 60 नंबर 60 के बराबर का है, लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में से 100 पूरे अंक दिए। आरंभ में रामानुजन ने जब अपने किए गए शोध कार्यों को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तब उन्हें भी पूरा समझ में नहीं आया। जब उन्होंने अपने मित्र गणितज्ञों की सहायता ली तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को ठीक से समझने और आगे शोध के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने का आमंत्रण दिया। आगे देखते हैं कि विदेश कब गए। विदेश गमन। कुछ व्यक्तिगत कारणों और धन की कमी के कारण रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर हार्डी को इस निराशा हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से रामानुजन को बुलाने का निश्चय किया। इस समय रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में शोध छात्रवृत्ति मिल गई थी, जिससे उनका नया जीवन का जीवन कुछ सरल हो गया और शोध कार्य के लिए पूरा समय मिलने लगा। इसी बीच एक लंबे पत्र व्यवहार के बाद धीरे धीरे प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने का सहमत कर लिया। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैम्ब्रिज आने की आर्थिक सहायता भी मिल गई। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने के पहले गणित के करीब 3000 से अधिक नए सूत्रों को अपनी नोटबुक में लिख लिया था। तो देख लीजिए पत्र व्यवहार में जब इन्होंने इंग्लैंड जा रहे थे कैम्ब्रिज विद्यालय से पहले इन्होंने 3000 नए सूत्र सिंटैक्स को अपनी नोटबुक में लिख लिया था। रामानुजन ने लंदन में अपनी धरती पर कदम रखा, वहाँ प्रोफेसर हार्डी ने उनके लिए पहले से व्यवस्था की थी, अतः उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। इंग्लैंड में रामानुजन को बस थोड़ी परेशानी थी और इसका कारण उनका शर्मीला शांत व्यवहार और शुद्ध सात्विक जीवन जारी था। पूरे इंग्लैंड प्रवास के दौरान अधिकांशतः अपना भोजन स्वयं बनाते। इंग्लैंड की इस यात्रा से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किया। अपने विशेष शोध के कारण उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि मिल गई, लेकिन वहाँ की जलवायु और रहन सहन की शैली पर उनके अधिक प्रति अनुकूल नहीं थी और उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टर ने शेरोग टीबी बताया। उस समय शेरोग की कोई दवा नहीं होती थी और रोगी को सैनिटोरियम में रहना पड़ता था। रामानुजन को वहाँ कुछ दिन वहाँ रहना पड़ा और इसी समय यह गणित के सूत्रों की नई नई कल्पना किया करते थे। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता। इसके बाद रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय जब भारत गुलामी में जी रहा था तब एक ऐश्वर्य व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का सदस्य आज तक नहीं हुआ है। देखिए कि आज तक मतलब 70-100 साल करीब हो गए, आज तक इतनी कम आयु में किसी भी आदमी ने रॉयल सोसाइटी की कहते हैं नामित नहीं किया गया। पूरे भारत में उनके
चिंतकों ने उत्सव मनाया और सभाएं की। रॉयल सोसाइटी सदस्यता के बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छी तरह अच्छी जगह पर जा रहा है, लेकिन रामानुजन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने वापस भारत लौटना पड़ा। भारत आने से पहले वे मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई। रामानुजन अध्यापन और शोध कार्य पुणे रम गए। मृत्यु उन स्वदेश आगमन भारत लौटने स्वदेश आगमन मतलब भारत को वापस आए। भारत लौटने पर भी इनके स्वास्थ्य में इनका साथ नहीं दिया और हालत गंभीर होती जा रही थी। इस बीमारी की दशा में उन्हें मॉक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। देखिए इस बीमारी दशा में भी उन्होंने मॉक थीटा फंक्शन लिख दिया और हमारा सर दुख जाता बड़ा ही नहीं करते। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञानों को में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। मृत्यु इनका गिरता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय बन गया और यहाँ तक कि अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। अंत में रामानुजन की विदा की घड़ी आ गई 26 अप्रैल 1920 के प्रातःकाल, जब वह अचेत हो गए और दोपहर होते होते इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस समय रामानुजन की आयु मात्र 33 वर्ष थी। इस ऐसे में निधन गणित जगत में अपूर्णीय क्षति था। पूरे देश विदेश में जिसने भी रामानुजन का समाचार सुना वह स्तब्ध रह गया। तो मात्र 33 साल की उम्र में इनकी देहत हो गई थी। रामानुजन की कार्यशैली और शोध रामानुजन और उनके द्वारा अधिकांश कार्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहली बने हुए हैं। एक ही बहुत सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्य करने की अपनी यात्रा में इन्होंने भारत को अपूर्व गौरव योगदान प्रदान किया। इनका और उनका रजिस्टर जिस पर वे अपने प्रमेय और सूत्र लिखा करते थे 1976 में अचानक ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में मिला। करीब 100 पन्नों का रजिस्टर आज वैज्ञानिकों के लिए एक पहली बना हुआ है। तो ये रजिस्टर जिसमें अपने लिखते थे 1966 में ट्रिनिटी कॉलेज में मिला था। इस रजिस्टर के बाद रामानुजन को इस रजिस्टर को बाद में रामानुजन की नोटबुक के नाम से जाना गया। मुंबई के टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्था द्वारा इसका प्रकाशन भी किया गया। रामानुजन के शोध की तरह उनके गणित के काम करने की शैली भी विचित्र थी। वे कभी कभी आधी रात तक सोते से जागकर स्लेट पर गणित के सूत्र लिखते थे और फिर सो जाते थे। इस तरह ऐसा लगता था कि वे अपने सपने में भी गणित के प्रश्न हल कर रहे हैं। रामानुजन के नाम के साथ उनकी कुल देवी का नाम भी लिया जाता है। इन्होंने शून्य और अनंत को हमेशा ध्यान में रखा और इसके अंत संबंधों को समझने के लिए गणित के सूत्रों का सहारा लिया। रामानुजन के कार्य करने की विशेषता की वह पहले गणित का कोई नया सूत्र तथा प्रमेय लिख देते थे लेकिन उसकी उत्पत्ति पर ध्यान नहीं देते थे और इसके बाद इस बारे में पूछे जाने पर कहते थे कि यह सूत्र उन्हें नामगिरी देवी की कृपा से प्राप्त हुआ है। रामानुजन का अध्यात्म के प्रति इतना विश्वास गहरा था कि वे अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को अध्यात्म की एक अंग मानते थे। वे अपने धर्म और अध्यात्म में केवल एक विश्वास ही नहीं रखते थे बल्कि उसको तार्किक रूप भी प्रस्तुत करते थे। वे कहते थे कि मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार ना मिले। तो इतने बड़े कहते हैं कि पंडित थे, मतलब अध्यात्म धर्म के अंदर इनका इतना बड़ा गहन विश्वास था। रामानुजन ने इंग्लैंड में 5 वर्षों तक मुख्यतः संख्यात्मक सिद्धांत पर काम किया और रामानुजन ने सूत्र प्रतिपादित किया तो 1+1/1.3+1/1.3.5 तो मतलब दो दो का अंतर प्लस इन्फिनिटी तक प्लस 1+1 ऐसे देखा जाए तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है √e.π/2। इस सूत्र की विशेषता यह है कि गणित के दो सबसे प्रसिद्ध नियंत्रक पाई और ई का संबंध एक अनंत इस तत्व भिन्न के माध्यम से व्यक्त करता है। पाई के लिए इनका दूसरा सूत्र सन 1910 में प्रकाशित किया था कि पाई बराबर जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती इसका 1980 में 1.9801/2 पता नहीं क्या क्या लिख रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा सिग्मा इन्फिनिटी एन बराबर 0 4n(n)4 × 1103 प्लस
2639 0n/4√99 की पावर 4n। पर वाला ही जाने क्या लिख रखा है भाई, मैं तो रामानुजन नहीं हूँ। अब आप समझ सकते हो, समझ लीजिए, ये इनका सूत्र है। कोई आ जाए तो मुझे बता भी देना भाई समझ में क्या सूत्र है, क्या बोलते हैं इसे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रामानुजन संख्या है। रामानुजन संख्या उस प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जिससे दो अलग अलग प्रकार की संख्या के घनों के योग द्वारा निरूपित किया जाता है। उदाहरण 9 का क्यूब + 10 का क्यूब या 1 का क्यूब + 12 का क्यूब, तो यही आएगा। तो चलिए सर देखते हैं कि क्या आता है, कैलकुलेटर ले लेते हैं। ये कैलकुलेटर आ गया। तो 9 × 9 × 9 तो ये हो गया 729 प्लस 10 का क्यूब अपन जानते हैं 1000 होता है। तो 1729 ये बढ़िया है। 1 का क्यूब हम जानते हैं 1 होता है प्लस 12 का क्यूब देखते हैं 12 × 12 144 × 12 प्लस 1 का क्यूब पर करते हैं तो ये हो गया 1729। ये देखिए इन्होंने उस समय बता दिया था। इसी तरह देखते हैं, अगर 2 का क्यूब देखते हैं प्लस 16 का क्यूब करते हैं या 9 का क्यूब करो प्लस 15 का क्यूब करो तो भी 41 04 आता है। तो देखते हैं भाई क्या आता है। तो 2 का क्यूब हम जानते हैं 2 × 2 × 2 = 8, तो 16 करते हैं 16 × 16 × 16 ये हो गया 4096 प्लस 8 करते हैं तो देख लीजिए 4104 इसी तरह 10 का क्यूब और 27 का क्यूब होता है 20684, तो इसको देखते हैं 10 का क्यूब हो गया 1000 और 27 का क्यूब करते हैं अपन 27 × 27 × 27 ये हो गए 19684 प्लस 1000 और जोड़ देते हैं इसमें 10 का क्यूब 1000 होता है तो ये हो गया 20684। बोला वाह, मतलब इन्होंने बताया था कि रामानुजन संख्या ये सिद्धांत का नाम है। अतः 1729 41 04 20 68 3 39 312 433 आदि रामानुजन संख्याएं हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो ये बात छोटी सी नज़र डाल लेता रामानुजन के जीवन काल में कि रामानुजन का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में इरोडा नामक गांव है। मृत्यु इनकी 26 अप्रैल 1920 को हुई थी चेटपट चेन्नई तमिलनाडु में। इनकी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी और संयुक्त राष्ट्रशाही इनका आवास था भारत संयुक्त राज्यशाही। रॉयल सोसाइटी सदस्यता मिलना बहुत बड़ी बात थी और आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि इनको किसी को इनसे कम उम्र की आयु वाले व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी सदस्यता मिली हो। और इसी से खुश होकर 22 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो SBI के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिसंबर मनाया जाता है। रामानुजन के जन्मदिन यानी 22 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो मेरे इसको सब्सक्राइब कीजिए और आपसे कोई क्वेरी वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम क्लासेस।